जहीराबाद में बाद नमाज जुमा मुस्लिम एक्शन कमेटी और नौजवानों ने जहीराबाद की तरफ से आरडीओ ऑफिस जहीराबाद पहुंचकर त्रिपुरा में मुसलमानों पर हो रहे मजालिम और ज्यादती के वाकयात और मलून वसीम रजवी के खिलाफ एक मेमोरेंडम रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर को दिया गया और मुतालबा किया गया कि त्रिपुरा के मुसलमानों को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए, उन्हें इंसाफ रसानी के लिए आला हुक्काम से नुमाइंदगी करें और साथ ही साथ मलून वसीम रजवी जो मुसलसल शान रिसालत में गुस्ताखी का मुर्तकिब और कुरान मजीद की आयात की बेहरमती का मुर्तकिब रहा है, उस मलून वसीम रजवी को गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर मोहम्मद मोइजुद्दीन, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद फारूक, सैयद फरहान कादरी बगदादी, मोहम्मद समीउद्दीन एडवोकेट, मोहम्मद अली, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद वहीद, मोहम्मद नई, मोहम्मद इब्राहिम रजवी, मोहम्मद मुमताज नूरी के अलावा नौजवानों ने जहीराबाद की कसीर तादाद मौजूद थी। तमाम नौजवानों ने जहीराबाद मुस्लिम नौजवानों ने जहीराबाद की जानिब से त्रिपुरा में जो हमारे मसाजिदों को निशाना बनाकर और हमारे मसाजिदों को जो है जलाया जा रहा है और कुरान करीम की जो है बेहरमती की जा रही है और त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम गलत गर्दी जो चल रही है उसके खिलाफ जहीराबाद मुसलमानों ने जहीराबाद की जानिब से आरडीओ ऑफिस को आकर आरडीओ साहब को जो है एक मेमोरेंडम पेश करे ताकि हुकूमत जो है इसको जो है रोके, ताकि जो है हिंदुस्तान हमारा सेकुलर मुल्क है और तमाम मज़हब के लोग यहाँ पर रहने वाले हैं और भाईचारे के से रहने वाले हैं, लिहाजा आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ये जो है ना एक तबके को एक ही जो है मुस्लिम को जो है निशाना बना रही है। नाज़रीन हमारे टीटीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें और किसी एडवर्टाइजमेंट से मुतालिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9550102020।